नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र एंड सिविक्स प्रैक्टिस सेट नंबर एक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। इससे पहले हम 8 सेट हिस्ट्री कर चुके हैं, 5 ज्योग्राफी कर चुके हैं, अब 5 सबसे पहले हम नागरिक शास्त्र के करेंगे ताकि बराबर हो जाएँ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन करने के लिए 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखी है? बेंथम, डाइसी, ऑस्टिन या इनमें से कोई नहीं? तो ये लिखी गई है ऑस्टिन द्वारा। नेक्स्ट है, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, जे एस मिल का? तो ये कथन जो है वो आपका लॉक का है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम? तो ये जो कथन है ये है आपका रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक्स, रूसो या ग्रीन? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा लॉक्स। यानी कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एक निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, लेकिन लॉक्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता की अवस्था थी। लॉक लिखता है कि शत्रुता, नीचता, बलात्कार अथवा मनुष्य के आपस की नाश का जीवन न होकर सुख शांति आपसे योग की रक्षा करना जीवन था, ये उसने स्टेटमेंट दी। वहीं निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? मनुष्य ने केवल एक समझौता किया, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं, संप्रभु निर्भर शक्ति संपन्न है, समझौता एक पक्षीय है? तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ इसके बारे में बताते हैं तो प्राकृतिक अवस्था में परेशान लोगों ने आपस में एक अनुबंध किया। हॉब्स के अनुसार लोगों ने एक दूसरे से कहा, मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपना अधिकार उसको सौंप दोगे और उसी तरह उसको सब कार्यों की स्वीकृति दे दोगे। नीति आयोग प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता है इसका सीधा सा आंसर है प्रधानमंत्री, जो कि पहले कभी जो नीति आयोग बनाया गया अभी बनाया गया, पहले ही योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, ये हो गया, यह कथन किसका है कि जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किया जाएगा? रूसो, हॉब्स, लॉक, ग्रीन? तो ये कथन जो कहा है वो रूसो ने कहा है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? दांते, मॉक्स, रूसे या गांधी? तो ये स्टेटमेंट भी किसकी थी? रूसो की थी। रूसो इसलिए कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था अधिक दिनों तक न रह सकी, मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का धुंधला सा चित्र धीरे धीरे आकार लेने लगा, मानव ने ज्ञान की वृद्धि हुई, सभ्यता संस्कृति की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती चली गई। तो इस तरह से इसने मानव को कहा कि मानव ने कला विज्ञान के विकास को मानव ने खराब कर दिया है। रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है जनमत का, बहुमत का, अधिकतम लोगों का, अधिकतम हित का या समान हित की समान चेतना का? तो यहाँ सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान हित की समान चेतना का। नेक्स्ट है, हॉब्स ने हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया क्योंकि? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह राज्य को विरोध की अनुमति देता है। प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय नियत है दासनजा की अवज्ञा मानने में, संविधान व्यवस्था के अंतर्गत रहने में, जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को रोकने में, नगर राज्य के जीवन की सहभागिता में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जीवन में अपने स्थान के कर्तव्य को करने में। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी
1905, 1906, 1892, 1935। तो ये डाली गई थी ऑप्शन नंबर बी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। लॉक ने इस विचार का समर्थन किया है, व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता, राजा को असीमित अधिकार, संवैधानिक सरकार, कुछ व्यक्तियों की शक्ति। यहाँ उसने बात की है संवैधानिक सरकार की। फासीवाद से उदय होता है उदारवाद का, उग्र राष्ट्रवाद का, लोकतंत्र का या व्यक्तिवाद का। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उग्र राष्ट्रवाद। किस तरह से फासीवाद राष्ट्र के प्रति नागरिकों में प्रेम ही नहीं भरता बल्कि अहंकार और अभिमान भी भर देता है। इस प्रकार दूसरे देश के प्रति विदेश की भावना भड़काई जाती है जो कि युद्ध साम्राज्यवाद को जन्म देती है। इटली और जर्मनी में की यही अंतर्राष्ट्रवादिता दूसरे महायुद्ध का कारण बनी थी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है एक व्यक्ति सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्ति सत्ता देने में, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को पृथक करने में, केंद्र राज्यों के मध्य सत्ता को विभाजित करने में। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को पृथक करने में। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, संगोष्ठी, लाइवडिंग, प्रचार या चुनाव लड़ना। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका चुनाव लड़ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आप सभी जानते हैं इसको, गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि, यहाँ आपके पास ही चार ऑप्शन हैं। सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका ए, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व तो देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है, मार्क्स, मिल, हॉब्स, ग्रीन। यहाँ जो मानता है वो मानता है मार्क्स। निजी संपत्ति का अभाव कारण ही एक वर्ग संपत्ति पर अपना दैप्य स्थापित कर लेता है और राज्य का प्रयोग दूसरे वर्ग को छोड़ करने के लिए करता है, ऐसा मार्क्स ने माना है। टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं हॉब्स, रूसो, ग्रीन, लॉक। तो ये जो है इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा लॉक। 1869 में प्रकाशित टू ट्रीटाइजेज ऑनलाइन सिविल गवर्नमेंट ऑफ के लेखक लॉक थे। किसने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप दे देना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने। किसे भारत का महाभारत व्यक्ति कहा जाता है, नरोजी, रानाडे, गफ्फर खां, मुरारजी देसाई। ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है ओल्ड मैन यानी कि महाभारत दादा भाई नरोजी को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ पता है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 1949 से 45 दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संबंध संघीय बजट से है, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कटौती प्रस्ताव। निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है, आप सभी जानते हैं इसमें, तो ये संपत्ति का जो अधिकार है अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अब ये कैसा बन गया, इस चवल संशोधन द्वारा इस मूल अधिकार से हटा करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 कम इसको रखा गया है जो कि एक विधिक अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया। निम्न में कौन राज्य सूची में संबंध है, रेलवे, पुलिस, निगम कर, आर्थिक, सामाजिक नियोजन, जनगणना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेलवे पुलिस। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व किसकी विशेषता है, संसदीय पद्धति की। अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण स्रोत क्या है, संसदीय कानून, संवैधानिक प्रावधान, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री द्वारा संस्तुति। सही आंसर है संवैधानिक प्रावधान। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्र साधन द्वारा या इनमें से सभी। तो ये सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। भारतीय संचित निधि पर किसका नियंत्रण रहता है, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक का, उपयुक्त किसी का नहीं।
तो सही आंसर आपको जाएगा इनमें से किसी का नहीं। यहाँ नियंत्रण जो रहता है वो रहता है पार्लियामेंट का, किसका होता है, संसद का, इस पर नियंत्रण रहता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। जितनी भारत में नियुक्तियाँ की जाती हैं सारी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, केवल 3 लोगों को छोड़ करके, एक स्टेट के CM को, एक लोकसभा के अध्यक्ष को और एक उपराष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति नहीं की जाती। बाकी सारी नियुक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, CM के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और लोकसभा अध्यक्ष का जो अपने आप शपथ ले लेता है, और राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की जाती है। लाभ का पद किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है, ये बात किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किस प्रथम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये आपको पता ही है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ये, तो सही आंसर होगा JB मावलंकर के खिलाफ ये लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले JB मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, तो ये जो हुआ है ये हुआ संसदीय कानून द्वारा। निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, माल्य का परीक्षक। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष के रूप शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष का नहीं। संसद सदस्यों की योग्यता संबंधित निश्चय करके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति जुड़वा वहन किसे कहा जाता है, लोक लेखा समिति को, कार्य मंत्रालय को, पर्यावरण समिति को, जांच समिति को, तो ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है जुड़वा वहन लोक लेखा समिति को। किसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, तो सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। राज्यों एवं संघ के बीच तथा केंद्र के बीच का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त सचिव द्वारा, लेखा परीक्षक द्वारा, तो यहाँ जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वित्त आयोग आर्टिकल 280 द्वारा। निर्वाचन आयुक्त के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 24, 124, 324, 107, तो निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन का उल्लेख जो है 324 में किया गया है। केंद्र एवं राज्य संबंधी की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा, ये जो लिया गया है ये कनाडा से व्यवस्थाएं ली गई हैं। पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था 26 नवंबर 1953 को, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 और 26 नवंबर 1947, तो ये जो किया गया था ये 26 नवंबर 1953 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम काका कालेलकर के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। संसदीय पद्धति कैसी है, लचीली, कठोर, लचीली कठोर दोनों, न लचीली न कठोर, तो ये जो पद्धति है वो एकदम लचीली है। अध्यक्षात्मक पद्धति कौन सी विशेषता नहीं है, शक्ति का शक्तिकरण, सामयिक पद्धति, मंत्रिमंडल का अभाव, एक व्यक्ति पर दायित्व, यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति का एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता के अधिकार क्षेत्र के आधार पर सरकार का भेद किया जा सकता है, संघात्मक, एकात्मक, संसदीय अध्यक्षात्मक, लोकतांत्रिक निरंकुश सरकार, गणतांत्रिक राजनीतिक सरकार, इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा संघात्मक एवं एकात्मक सरकार। एकात्म सरकार में शक्तियाँ केंद्र में रहती हैं, विकेंद्रित रहती हैं, दोनों रहती हैं, ये इनमें से कोई नहीं। एकात्म में ये होता है कि शक्तियाँ जो होती हैं केंद्रित रहती हैं। एकात्म सरकार में स्थित सरकारों क्या करती हैं, आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं,
और आपका जो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। एकात्मक सरकार में इकाइयों की शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जनता द्वारा, केंद्र द्वारा, संविधान द्वारा, धनी वर्ग द्वारा? ये जो होता है ये होता है आपका केंद्र द्वारा। एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष होती है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका गवाह होता है, न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ एकात्म क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव होता है। निम्न में से एकात्म सरकार का कौन सा एक लक्षण नहीं है? विकेंद्रीकरण, दोहरी सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा विकेंद्रीकरण, इसका लक्षण नहीं होता, सही शक्ति केंद्र में होती हैं। संघात्मक सरकार में संविधान कैसा होता है? लचीला, अनम्य, न लचीला होता है न कठोर, इनमें से कोई नहीं, तो यही अनम्य सरकार होता है। एकात्मक शासन वह है जहाँ समझ सकते हैं अधिकार ऐसे केंद्र केंद्रित होती हैं जिनकी इच्छा और उनके कर्मचारी वैधानिक रूप से समस्त देश में सर्वशक्तिमान हों। यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर, वाइनर, बिलोबी या गेटल? तो ये जो दी है ये फाइनर ने दी है। एकात्मक सरकार कहाँ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बड़े भूभाग विभिन्न जनसंख्या वाले देश के लिए, छोटे भूभाग विभिन्न जनसंख्या वाले देश के लिए, संगोत्र जनसंख्या के लिए, संगोत्र जनसंख्या बड़े भूभाग वाले देश के लिए? तो सही जो आंसर होगा वो आएगा छोटे भूभाग और विभिन्न जनसंख्या वाले देश के लिए। संघ शब्द के अंग्रेजी रूपांतरण फेडरेशन की उत्पत्ति हुई है? फोइडस शब्द से है। यह शब्द कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, यूनानी, इटालियन? तो ये जो शब्द लिया गया वो लिया गया है लैटिन से। संघात्मक सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति एवं राज्यों अधिकारों सुरक्षा भी बनी रहती है। ये परिभाषा किसने दी है? फाइनर ने, गार्नर ने, डाइसी ने, गेटेल ने? तो ये जो दी गई है ये दी गई है फाइनर द्वारा। संघात्मक शासन में कौन बात नहीं पाई जाती है? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, तो स्वतंत्र होते हैं, दोनों सरकारें परस्पर आश्रित होती हैं, दोनों की शक्तियाँ का स्रोत संविधान होता है, दोनों में विवाद के निपटारे के लिए न्यायपालिका होती है। तो सही आंसर होता है दोनों सरकारें परस्पर आश्रित होती हैं। संघ सरकार की निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, लचीला संविधान, दोहरी सरकार, संविधानिक सर्वोच्चता? तो यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लचीला संविधान। निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगरपालिका? सीधा सा आंसर इसका दिखाई दे रहा है वो आपका है नगरपालिका। अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक शब्द पार्लियामेंट शब्द किससे बना है? फ्रेंच भाषा से, इटालियन से, लैटिन से, ग्रीन से? तो ये जो बना हुआ है ये फ्रेंच भाषा से बना हुआ है पार्लियामेंट शब्द। किस प्रकार की शासन व्यवस्था संसद का सर्वोच्च स्थान होता है? अध्यक्षात्मक शासन, संसदीय शासन, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र? सीधी सी बात इसमें साफ साफ दिख रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था। निम्नलिखित तथ्यों में कौन असत्य है? आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो ये चारों के चारों, ये चारों कथन सत्य है। निम्न सदन के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है? वयस्क आधार पर, आर्थिक स्थिति पर, व्यक्तिगत स्थिति पर, बौद्धिक क्षमता पर? ये जो होता है ये आपका होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। दोस्तों ये थे आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर एक नागरिक शास्त्र का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।